अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखनी है। आसान डेफिनेशन है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। जब आप दो रेशियोज को इक्वल कर देते हैं तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। जैसे एक रेशियो ए बी एक रेशियो है, सी डी दूसरी रेशो है, दोनों के दरमियान में आपने इक्वल टू का साइन लगा दिया है तो ये वाला प्रोपोर्शन बन गया। बस इतनी इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो बुक आपने पास रखें, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो बुक आपने पास रखा करें ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट देखें, मैं दिखा भी देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम, ये प्रोपोर्शन है, ये जो चार डॉट्स हैं, चार डॉट्स का मतलब होता है इक्वल इक्वल टू इज इक्वल टू 35:125 इज इक्वल टू 7:6, जिसमें आपने एस की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको लिख लेते हैं 35:125, जो चार डॉट्स हैं, चाहे आप चार डॉट्स लगा लें चाहे ई इज इक्वल टू लिख लें 7:S। तो जो ये प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन में हम कौन सा फार्मूला लिखते हैं, ये जो दरमियान वाले होते हैं, ये वाले दरमियान वाले जो सेकंड और थर्ड है, इसे हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो जो दरमियान में जो दो नंबर लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मीन्स MEANS मीन्स। और जो पहला और चौथा होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रीम्स। मीन्स और एक्सट्रीम्स का आपस में जो रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होता है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये रिलेशन है बिटवीन एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। तो यानी 35 को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 125 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 35 मल्टीपल्ड बाई एस इज इक्वल 125 मल्टीपल्ड बाई 7। 35 इधर आ जाएगा, एस इक्वल 125 मल्टीपल्ड बाई 7 डिवाइडेड बाई 35। कैलकुलेटर यूज़ कर लें, 125 मल्टीपल्ड बाई 7 डिवाइडेड बाई 35, या 25 आंसर आ जाएगा, रिकॉर्ड 25। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के डिफरेंट टाइप्स बतानी है। तो दूसरे में बता देता हूँ आपका, इसमें जो आपने डेफिनेशन करनी है वो आपको निशान लगवा देता हूँ बुक के ऊपर। प्रोपोर्शन डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखें आप, पेज नंबर है 17, लेकिन टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, द मोस्टली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन आर इन्वॉल्व्ड इन डेली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कौन सी जो प्रोपोर्शन है उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन की चार टाइप्स हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक हो गया जी, इतना आपने लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिफाइन करना है। इसका आंसर भी पेज नंबर 17 के ऊपर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो देयर विल बी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन एनी गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इफ इट्स टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड एंड एन इंक्रीज इन वन कॉजेज ए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अदर, आर अ डिक्रीज इन वन कॉजेज अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर। ठीक है, तो ये यहाँ तक ऐसी डेफिनेशन है। यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है, या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो तो भाई दूसरी क्वांटिटी भी
डिक्रीज हो जाती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज होती हैं या दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज होती हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है पेज नंबर 18 के ऊपर, उसके एंड पर देखें नीचे, सबसे नीचे, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो देयर विल बी एन इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन टू क्वांटिटीज, उसी तरह के डेफिनेशन जैसे डायरेक्ट किया, इफ दे आर सो रिलेटेड दैट एन इंक्रीज इन वन कॉजेज अ कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर। अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज होगा, और ए डिक्रीज इन वन कॉजेज अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अदर। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, जबकि डायरेक्ट में दोनों इंक्रीज होती हैं या दोनों डिक्रीज होती हैं। ये डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी कंपाउंड प्रोपोर्शन, पेज नंबर 21 है। पेज नंबर 21 के ऊपर कंपाउंड प्रोपोर्शन है, 21 नंबर पेज है। तो इन सम प्रॉब्लम्स वी हैव टू डील साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियस का होता है एक साथ इकट्ठे, विथ मोर देन वन प्रोपोर्शन, जब ये से ज़्यादा प्रोपोर्शन होते हैं। द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ प्रोपोर्शन इन सच सिचुएशन इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो ये डेफिनेशन भी चार्ट क्वेश्चन में आती है, उसका भी हमने करना है। उसके बाद है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, पेज नंबर 23 है। पेज नंबर 23 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, द क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू द सेकंड टर्म, सेकंड इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म एंड सो ऑन। दस इफ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी इज इक्वल टू सी ओवर डी, यानी ए बी बी सी फिर सी डी, इसे कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये ऐसे सही के जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, वो बता दिया हमने कौन से हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन। डिफाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये भी बता दिया, इसमें दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज होती हैं या दोनों डिक्रीज होती हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और दूसरी डिक्रीज होती है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इज ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी इज इक्वल टू सी ओवर डी। कंपाउंड प्रोपोर्शन में जब एक साल में दो से ज़्यादा प्रोपोर्शन होते हैं। तो व्हाट इज़ द बेसिक रूल ऑफ प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन है उसका बेसिक रूल क्या होता है। उसका बेसिक रूल अभी जब मैंने बताया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ प्रोपोर्शन। ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाए किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाए। तो गिवन डैट 4:4 इज इक्वल टू 5:20, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, करते हैं। क्वेश्चन 9, 4:x चार्ट डाल सकते हैं या इज इक्वल भी लिख सकते हैं इसको आप 5:20। तो इसमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्रोपोर्शन है, 2:4 इक्वल है, ये वाला प्रोपोर्शन है। तो अपने क्या कौन सा रूल लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, चाहे इसको इधर लिख लें इसको इधर लिख लें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इधर लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इधर लिख रहे हैं या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इधर लिख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें इसको लेफ्ट पे जिसको मर्जी पहले में लिख रहे हैं, दोनों में से चाहे मीन्स पहले लिख रहे हैं या एक्सट्रीम बाद में लिख रहे हैं, उससे फार्मूला वही है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स कौन से होते हैं जो दरमियान वाली है, एस इंटू फाइव, क्या होगा एस इंटू फाइव एक्सट्रीम्स है 4:20 एस इक्वल टू 4:20 / 5 5 4s are 20 4 4s are 16। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, तो गिवन डैट, इसमें भी एस रेशो 250, फिर 4:8 है 4:50, इसमें भी हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो कैसे लिखेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एस को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, एस इंटू 250 जो दरमियान वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को 14 के साथ, फिर दूसरे को 30 के साथ। 250 इधर आ जाएगा, एस इक्वल 250 इंटू 4, सॉरी एस इंटू 50 है ये वाला, एस इंटू 50, 250 नहीं है, 50 इधर आ गया, ये एस इंटू 50, 250 जीरो जीरो के साथ कर लिया, तो 5 5 25, 5 4 20। फिर उसके वाले 20 आ गए। टू फिफ्टी एंड 20 ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन। क्वेश्चन नंबर 11 में भी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, एस रेशो 1/4, एस रेशो 1/4 ये डॉट है, 12:3। कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एस को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एस मल्टीप्लाइड बाई 3, 1/4 को 12 के साथ, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12। तो एस इक्वल ये लो 3, ये 3 का नीचे आएगा, 3/3 = 1। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, इस पर एस की वैल्यू फाइंड करनी है, 45:60 और 900:x, 900:x, 45:60, 900x, ये भी प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 45 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाई एक्स और 60 को 900 के साथ, ये 45 इधर आ जाएगा, एस इक्वल 60 मल्टीप्लाइड बाई 900 डिवाइडेड बाई 45। 15 के 15 थी है 45, 15 चौके 60, 15 3 45, 54 60 इज इक्वल, या वैसे डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, 3 के चेक कर सकते हैं, 3 3 9 100, 4 × 3 1200, ये आ जाएगा 1200, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 60 × 900 डिवाइडेड बाई 45 करें तो 1200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है, फाइंड द इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 2:y, 2:y, फिर 3:x, तो इक्वेशन फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 2 को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा, वाई को 3 से मल्टीप्लाई 3y, बस इतना ही काम करना, ये इक्वेशन बन गई है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ 39:x इज इक्वल टू 18:6, तो हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 39 × 6 s × 18, अब 18 इसके नीचे आ जाएगा, 39 × 6 / 18 इज इक्वल टू एस, तो 6 3 18 3 1 13, तो देयर फॉर एस की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। क्वेश्चन नंबर 15, तो फाइंड 4 प्रोपोर्शन,
इसमें क्या करना है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, चौथा प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना है 15 5 15 और 2, 5 15 एंड 2। इसमें तीन नंबर दिए, हमने चौथा नंबर फाइंड करना है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5 15 एंड 2। सपोज कर लेंगे, सपोज फोर्थ फोर्थ है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स। सपोज कर लेंगे तीन नंबर फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5 15 एंड 2, तो जो चीज़ हमने फाइंड करी वो सपोज कर लेते हैं, सपोज फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स, तो देन इनको इसी तरीके से लिख देंगे, 5:15 2:, यानी चौथा जो चौथे नंबर पर लिख देंगे, फिर ये प्रोपोर्शन बन गया, क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 5 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 into, तो एक्स इक्वल टू 15 into 2 over 5, 5 3 15 3 2 6, एक्स इक्वल टू 6 आपका आंसर आ गया। फिर अभी क्वेश्चन नंबर ये 15 किया, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे ऐसे हम कह रहे हैं 1.2 कह रहे हैं, 1.2.2 के शॉर्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 15 किया था हमने, उसका आंसर 6 है, ये 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन, इसमें भी 9:x इज इक्वल टू 24:8, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 into 8, और एक्स को 24 के साथ एस इंटू 20 24 इधर आ जाएगा, 9 into 8 / 24 इज इक्वल टू एस, 8 3 are 24 3 3 are 9, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्वेश्चन नंबर 16 एस की वैल्यू 3, देयरफॉर एस इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, इसमें भी करना है फाइंड करना फोर्थ प्रोपोर्शनल, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 24 18 8 24 18 and 8, तीन नंबर दिया है, चौथा प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है, क्या करेंगे, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल, उसको सपोज कर लेंगे एक्स है, फिर देन क्या बात, इसी तरह से लिख लेंगे 24:18 इज इक्वल टू 8:x, इफ प्रोपोर्शन बन गया, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 24 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 into x, 18 into 8 के साथ 18 into 8, 24 इधर आ जाएगा 18 into 8 / 24, 8 3 are 24 3 6 are 18, तो एस की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 18, तो फाइंड एस इफ 14:19 इज इक्वल टू एस 38, ये भी प्रोपोर्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 14 into 38 19 into s, 19 इधर आ जाएगा 14 into 38 / 19 इज इक्वल टू एस, 92 are 38, तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें 28 आ जाएगा, s इक्वल टू 28। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें एस फाइंड करना है 15
रेशो 60 इज इक्वल 900 रेशो एस। ये प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन के फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 50 को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू एक्स, 60 को 900 के साथ, एस इक्वल टू 60 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 15। 50 फोर आर 60, 4 नाइन आर 36, एस की वैल्यू आ गई 3600। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एस रेशो 1/2 इज इक्वल टू 12:3। प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एस इंटू 3, 1/2 इंटू 12, 2, 6 are 12, ये 3 तरह जगह से इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 5 and 8, 2, 5 and 8। लेट कर लेंगे, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स, देन क्या लिखें, 2, 5, 8 x, 2:5 इज इक्वल टू 8:x। प्रोपोर्शन बन गया, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 2 into x इज इक्वल टू 5 into 8, तो एस इक्वल टू 5 into 8 डिवाइडेड बाई 2, 2, 4 are 8, 4, 5 are 20। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो एस फाइंड करना है, तो एस रेशो फोर इज इक्वल टू 9:12। प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एस इंटू 12, 4 into 9, एस इक्वल टू 4 into 9 डिवाइडेड बाई 12, 4 3 are 12, 3 3 are 9, तो एस की वैल्यू 3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें एस फाइंड करना है, 3:4 इज इक्वल टू s:12। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 3 into 12, 4 into s, यस 4 इधर आ जाएगा, 3 into 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू s, 4 3 are 12, 3 3 are 9, एस इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द मिसिंग क्वांटिटी, 9/x, 30/270, इसमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखें 0, 0 के साथ काटिएगा, तो 3 1 are 3, 3 9 are 27। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 के साथ हो जाएगा, एस मल्टीपॉइंट बाई 1 इज इक्वल टू 9 × 9, एस इक्वल टू 81। क्वेश्चन नंबर 25, तो एस रेशो फाइव इज इक्वल टू 7:2, एस के वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एस इंटू 2, 5 into 7, तो यह क्या आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 5 7 sorry x 5 7 और 2, 5 into 2 3, तो क्या आएगा, 2 इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 5 into 7 divided by 2, तो 5 7 सा कितने होते हैं, 35/2, ये कितना बन जाएगा, 35/2, 25, 35/2,
क्वेश्चन नंबर, इसको हम 25 को 2 से डिवाइड कर लें, 25 को 2 से 35 का 2 वाज आर 2 1 5 2 7 आर 14 तो 17 बाकी 1 बचा 17 1 बाई 2 इसको ये मिल सकते हैं 17 1 बाई ये देखें 35 है ना 35 को हमें 2 से डिवाइड करें 2 वन आर 2 3 में से 2 माइनस किया 1 ऊपर से 5 2 7 आर 40 फिर माइनस किया 1 17 पहले 17 लिखा फिर 1 ओवर 2 ऐसा भी आंसर ठीक है ऐसा भी आंसर ठीक है 26 क्वेश्चन नंबर 26 तो फाइंड द मिसिंग क्वांटिटी एस एच ऑफ 50 इज इक्वल टू 2:4 तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एस इंटू 4 50 into 2 एस इक्वल 50 into 2 डिवाइडेड बाई 4 2 2 4 25 से करेंगे इज इक्वल टू 25 क्वेश्चन नंबर 27 फाइंड करना है हमने क्या फाइंड करना है फाइंड ए रेशो बी रेशो सी ये हमें फाइंड करना है इफ इफ क्या है पी रेशो ए बी रेशो ए इज इक्वल टू 13:5 एंड बी रेशो सी बी रेशो सी इज इक्वल टू 11:12 ठीक है तो हमने ए रेशो बी हम ए में दिया हुआ है पी रेशो ए इज इक्वल टू 13:5 बी रेशो सी इज इक्वल टू 11:12 तो हमें फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी हमें फाइंड करना है इसका यू करेंगे ए रेशो बी रेशो सी लिख लेंगे अब देखें बी रेशो ए ना बी के नीचे 13 लिखेंगे और ए के नीचे 5 लिखेंगे पहले बी है बी के नीचे 13 और ए के नीचे 5 फिर बी रेशो सी फिर बी के नीचे 11:12 बी के नीचे 11 सी के नीचे 12 अब दोनों का हमने इक्वल करना है ये 13 ये 11 है दोनों का हमने क्या करना है इक्वल करना है तो इक्वल कैसे हो गया जो ऊपर वाले दोनों नंबर हैं इनको 11 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले दोनों नंबर को 11 से मानी में 11:55 फिर 11 को 30 से मल्टीपाई करें 11 को 30 से मल्टीपाई करें 11 into 13 ये 143 और जो नीचे वाले दोनों नंबर हैं उनको 30 से मल्टीपाई करें 30 को 11 से मल्टीपाई करें 143 आ जाएगा ये 30 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 13:12 ये 156 आ गया पहले क्या किया हमने ऊपर दोनों नंबर का हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई किया 11 into 5 55 11 into 13 143 फिर जो नीचे दोनों नंबर है इनको 30 से मल्टीप्लाई करें 13 into 11 143 ये 13 into 12 156 ये फॉर लिख रहे ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल 55 ratio 143 ratio 156 फिर 28 इसमें भी यही काम करना है फाइंड करना हमने ए ratio बी ratio सी हमने फाइंड करना है इफ क्या है ए ratio बी है ए रेशो बी इज इक्वल टू 17:32 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 48:51 तो लिख लेंगे हम ए रेशो बी रेशो सी ए बी 17:32 ए के नीचे 17 इधर 32 फिर बी के नीचे बी सी है 48:51 48 और 51 तो इसको क्या करना जो जो ऊपर वाले दोनों नंबर हैं ऊपर वाले दोनों नंबर्स का हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना दोनों नंबर 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17 into 48
17 इंटू 48 ये हो जाएगा 816 48 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 32 ये आ गया 1536। अब ये जो नीचे दोनों वाले नंबर हैं इनको 32 से मल्टीप्लाई करना है, 32 इंटू 48 यही आ गया, 32 को 51 से मल्टीप्लाई कर दें, 32 इंटू 51 1632। तो आंसर आपका आ जाएगा ए रेशो बी रेशो सी निकालो 816 रेशो 1536 रेशो 1632 ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ये 15 डजन एग्स ये देखें ये लिखा हुआ है 29 ये 15 डजन ऑफ एग्स कॉस्ट पे 750 हाउ मच विल 8 डजन एग्स कॉस्ट, जो 15 दर्जन अंडे हैं उनकी कास्ट 750 में है तो 8 दर्जन अंडों की कास्ट कितनी होगी, क्या यहाँ पर दो चीज़ें दी है डजन है और कास्ट है रुपीज़ है, यहाँ पर लिखें डजन डी ओ जेड डजन और रुपीज़ ठीक है, जो 15 दर्जन अंडे हैं वो कितने के हैं 750 रुपये के, जो 8 दर्जन अंडे हैं वो कितने के हो गए उसको हम एस लिख लेंगे, फिर उसके साथ हम एस लगा देते हैं ठीक है। अब देखें 15 दर्जन अंडों की कीमत 750 में है, जब कम खरीदेंगे उसकी कीमत भी कम होगी, इधर का डिक्रीज होगा इधर भी डिक्रीज होगा, तो ये वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपने एरो ऊपर की तरफ लगाना है एस के साथ भी और इसके साथ भी, तो एस के नीचे लिखेंगे एस ओवर 750 8 over 15 8 over 15 S equal to 8 over 15 multiplied by 750 calculate 15 75 50 आ गया 400 8 over 15 and 750 400 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 30 8 पैसेस कॉस्ट रुपये 26 तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 पैसे, तो यहाँ पर पैसेस हैं उनकी कॉस्ट है, जो 8 पैसेस हैं 8 पैसेस की कॉस्ट है कितनी 26 रुपीज़, तो 12 पैसेस की कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पर लगा दिया 8 पैसे की कास्ट 26 में है, जब ज़्यादा पैसे भी कास्ट भी ज़्यादा होगी इधर भी इंक्रीज होगा इधर भी इंक्रीज होगा, तो ये वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो एस के नीचे 26 एस ओवर 26 12 ओवर 8 ये 26 इधर आ जाएगा एस इक्वल टू 12 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाई 26 4 to the 8 4 3 the 12 3 30 39 39 रुपीज़ आ जाएगा, 31 है इधर प्राइस है 50 शर्ट्स, ये शर्ट्स हैं शर्ट्स और प्राइस 50 शर्ट्स है, तो 50 शर्ट्स की प्राइस कितनी है 3652 इफ द प्राइस ऑफ 50 शर्ट्स इज 3652 व्हाट विल द प्राइस ऑफ 80 शर्ट्स, तो 50 शर्टों की प्राइस इतनी है तो 80 शर्ट्स हैं उनकी प्राइस कितनी होगी, उसको एस लिख लेंगे, तो जब शर्टें ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, डायरेक्ट पर पहुँचाना है, तो एस ओवर एस के नीचे आ गया 3652 80 over 50 जीरो काट गया एस इक्वल टू 8 over 5 इंटू 3652 तो 8 over 5 इंटू 8 over 5 इंटू 3652 8 over 5 इंटू 3652 ये 5843
5843.2. क्वेश्चन नंबर 72 है, इफ 7 वर्कर्स पेंट ए हाउस, तो वर्कर्स हैं वर्कर्स और डेज। इफ 7 वर्कर्स पेंट ए हाउस इन 6 डेज, 7 वर्कर्स हैं 6 दिन में किसी हाउस को पेंट कर लेते हैं, तो हाउ मैनी डेज हमने फाइंड करनी है टू पेंट द हाउस बाई 3 वर्कर्स। अब यहाँ पर देखें, एस के साथ हमें एरर लगाया, जो 7 वर्कर्स हैं 6 दिन में घर को पेंट करते हैं, तो 3 वर्कर जो हैं कितने दिन में घर को पेंट करेंगे, कम दिन में करेंगे या ज़्यादा दिन में करेंगे। जब वर्कर थोड़े हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा दिन में वो काम करेंगे, पहले 7 वर्कर थे वो 6 दिन में घर को पेंट करते थे, अब वर्कर कम हो गए हैं फिर वो जो काम है वो देर से होगा, तो ये कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं वाले ज़्यादा हो गए, भाई ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, इधर डिक्रीज होगा तो इधर इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है एरो नेचर की तरह लगाना है, तो एक्स ओवर 6 इज इक्वल टू 7 ओवर 3। अब 7 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा, ये आपने याद रखना है, जब एरो नीचे है ना 7 ऊपर 3 नीचे, इधर एरो ऊपर है एस ऊपर 6 नीचे, ये 7 नीचे की तरफ आ रहा है, ये 7 ऊपर 3 नीचे, एस इक्वल टू 7 ओवर 3 मल्टीपाइड में 6 3 टू 6 7 टू 14 डेज। तो ऐसे से वर्क पर टू के तो आप चार्ट क्वेश्चन कर लिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।